एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद मुदिया खान। तो अभी हम लोग अपने टेस्ट लगाने वाले हैं। आज की वीडियो मैंने आपको सीबीसी करना सिखाऊंगी कि जब हम मशीन पर सीबीसी करते हैं तो किस तरह से करते हैं। आप लैब में कोई भी वर्क कर रहे हैं, सीबीसी करवाना चाहते हैं या आपको कैसे करना चाहिए, तो ये सबसे पहले हमें जो बिल्कुल रेडी हो रही है, सबसे पहले हम इस मशीन को ऑन करते हैं। तो इस तरह से पहले इस पर ग्राइंड पर जाती है, ये इसका ऑन करने का बटन है, ठीक है। पावर ऑन इससे होता है और इसको ऑन करने के बाद इस तरह का आपको आएगा मेन्यू। प्राइमिंग के बाद, प्राइम मैं दे चुकी हूँ इस वजह से प्राइम का ये नहीं ऑप्शन दिखा रहा। इसके बाद इस तरह से ये थोड़ा देता है, इधर धुंधला हो रहा है, पर फोकस करने की मेरी कोशिश है कि फोकस हो जाए, ठीक है। अब ये कुछ ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। इंटर आईडी दे रहा है, कैलिब्रेशन दे रहा है, डेटा और एडिट आईडी और जो है क्यूसी यानी कि क्वालिटी कंट्रोल सेटिंग और अदर सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हमें सैंपल करवाना होता है डायरेक्ट से तो हम इंटर आईडी पर जाते हैं इस तरह से। इंटर आईडी के बाद ये अल्फ़ा लिखा हुआ आएगा, अल्फ़ा पर आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखें सारे नंबर्स ही हैं इस तरह से। अब जो भी आपका नंबर है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है सैंपल, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई भी सैंपल आता है हम उस पर सबसे पहले ये लैब नंबर इस तरह से लिख देते हैं। लैब नंबर लगाने के बाद हम फिर जो है इसको इस तरह से अच्छे से चेक करते हैं ताकि जो पूरा होल ब्लड, हम सीबीसी में होल ब्लड कम्प्लीट ब्लड पिक्चर आती है तो उसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए ब्लड इस केमिकल के साथ और ब्लड हमारा क्लोड नहीं हो, इसलिए हम डालते हैं ना कि क्लोड ना हो, एडिटीज में होता है, ठीक है। ये मिक्स करने के बाद अब जो लैब नंबर इस पर डाला हुआ है वही लैब नंबर इसमें हम ये करके ऐड करके डालने के बाद फिर ये देखें ओके दे रहा है, ओके करेंगे। और ओके करने के बाद फिर हम जो है इसको नीचे से पहले कैप हटाएँगे इस तरह से। कैप हटाने के बाद हम इसको ये नीचे देखेंगे, पहले हमारी सही हो गई है नहीं, इस तरह से इसको हम शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से आप देख रहे हैं, ये ऊपर ले लेगी मशीन और ये ऊपर चले, ये शिफ्ट हो चुका है। अब ये शिफ्ट होने के बाद इस तरह से काउंटिंग पे चलेगा। काउंटिंग होने, अब ये हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, 2 to 3 seconds हम इसका वेट करेंगे। और वेट करने के बाद जो है फिर हम जब मतलब वेट किस चीज़ के लिए करी होती है कि मशीन सारे पैरामीटर्स आप हेमोग्लोबिन, WBC, RBC, MCV, MCHC, जो है प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारे काउंटिंग कर रही होती है हमारे जो भी पेशेंट का सैंपल होता है उसमें होल ब्लड में से। तो ये देखें काउंटिंग कैसे मशीन दे रही है। और एनालाइजर कोई भी हो, ठीक है, अगर इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो थोड़े चेंज होते हैं लेकिन फंक्शनिंग सबकी सेम ही होती है। जब भी वो रिज़ल्ट देते हैं या काउंट करते हैं तो उनका जो मैकेनिज्म होता है वो सेम होता है, बस इनकी थोड़ी सी सॉफ्टवेयर हर मशीन का अलग होता है तो हर लैब में आपको अलग सॉफ्टवेयर मिलेगा। पर हमारे यहाँ पर जो है नेहम प्रोडन की यूज़ की जा रही है मशीन हमारी मेरी लैब में, तो हम ये जो है यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए कंप्लीट हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है और ये रिज़ल्ट स्क्रीन पर भी आ गया है और ये यहाँ पर प्रिंट भी देती है मशीन, और ये प्रिंट भी कंप्लीट इस तरह से इसमें, ठीक है। आपको रिज़ल्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, कंप्लीट रिज़ल्ट भी आ चुका है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे हाउ टू यूज CBC मशीन एंड इट्स हाउ टू रीड अ रिजल्ट। तो आप इस तरह से इसको देख कर पूरी इसको यहाँ से निकाल कर और अपने पेशेंट की रसीद के साथ लगा देते हैं। इफ यू एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।